द ट्रीटमेंट पोर्सन एज सजेस्टेड और डायरेक्टेड बाय डॉक्टर राधेश श्याम सैनी इन दिस वीडियो कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड बाई अजिस्टर्ड वेटरिनरी प्रैक्टिशनर नॉन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स आर नॉट सपोज टू डू दैट अदरवाइज दे विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यू प्यारो दोस्तों नमस्कार ये देखिए राजकीय पशु चिकित्सालय बाई में ये जो ऊँट आया है राजस्थान का राज्य पशु ऊँट चिंकारा के साथ में सन 2014 से ये भी अपना राजस्थान का राज्य पशु है और देखिए मुंह फाड़ रहा है देखिए कितने जोर से मुंह फाड़ रहा है देखो जैसे कोई बाइट करना हो किसी को बटका भरना हो इस तरह से और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको है क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ये देखिए ढूंगे में इसके एपसेस है ये देखिए यहाँ जो कूला है ये देखिए हम निकाल भी रहे मेरा असिस्टेंट देखिए मवाद और ये ये जो बेटा रुक जा रुक जा हंस हाँ, मत रुके एक मिनट तो ये देखिए हम आ, हमारी फूकी देखो हम आवाज दे रहे हैं तो ये डिस्टर्ब कर रही है कर कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों हाँ जरा बोलना बेटा ये क्या ऊँट है? है बोलो ऊँट ऊँट है जोर से बोलो ऊँट है हाँ सुन लिया ना ये फूकी की आवाज ये देखिए मवाद आ रही है प्यारे दोस्तों ये जैसे जैसे दबा रहे हैं मवाद आ रही है शरीर की असामान्य गुहा जो मवाद से भरी हो गर्म हो सॉफ्ट हो पेनफुल हो तो वो कहलाती है एब्सेस एपसिस कहलाती है ये देखो ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के हमने ये मवाद निकाली देखिए ये आपके सामने वाइट ग्रेइश कलर की मवाद ये देखो अभी निकलती जा रही भाई साहब काफ़ी गहरा घाव है काफ़ी गहरा घाव है ये ऊँट के और ये जैसलमेरी नस्ल का ऊँट है प्यारे दोस्तों जैसल मेरी जो नस्ल है मैं आपको बताऊँ इसके पतले टांग होते हैं और इसको आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है इसीलिए सेनाओं में सर्कसों में और जो अच्छे रेसर्स होते हैं नाचने वाले ऊँट भी जो होते हैं वो जैसलमेरी नस्ल के ही अच्छे माने गए हैं बिकानेरी नस्ल के ऊंट तो रेगिस्तान में बोझा ढोने के काम आते हैं और ये थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं तो लेकिन ये बीकानेरी नस्ल का ऊँट नहीं है यह है जैसलमेरी देखिए धीरे धीरे ब्लड भी आ रहा है इसका मतलब मवाद पूरी निकल रही धीरे धीरे ब्लड मिक्स आ रहा है बस मवाद इसमें से ये हम आर्टरी फोरसेप से निकालने का प्रयास करें देखो कितना डीप चली गई कितना डीप चली गई प्यारे दोस्तों ये पंक्चर्ड और पेनिट्रेटिंग ऊंड भी हो सकता है अपन इसकी कैटेगराइज करें ये देखो उछल भी रहा है देखो टांगों को ये डरा भी रहा है भाई साहब ये डर 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 लगता है भाई ऊँट है भाई ऊँट है और मुँह फाड़ रहा है देखो क्या मुँह फाड़ रहा है भाई साहब जैसे कोई पूरा साबुत निकलने की फिराक में हो ऐसा ये देखिए और ये देखो इसके पास में ये देखो होट फायरिंग भी की हुई है इसके जो मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन मेथड जिसमें हम ब्रांडिंग करते हैं होट ब्रांडिंग जिसमें हम गरम लोहे का ऐसे चिपका दिए देखिए नीचे बाएं गाल फिर नीचे इधर कान के नीचे देखिए क्रॉस में ये फिर आ गया ऊंटों में और ये भैंसों में बहुत कॉमन है होट ब्रांडिंग का आइडेंटिफिकेशन मेथड ये देखिए आपके सामने ये जिब्बिकानेरी नस्ल का ऊँटे रो रहा है चिल्ला रहा है हमने इसकी आवाज को म्यूट कर रखा है ताकि आपको डर ना लगे ये देखिए और ये देखिए आपके सामने फिर वो कन्हैया कुमार पहले से ये कर रहा है सफाई हम भी लगातार ये गोज फिट कर रहे हैं आयोडीन से भर के आयोडीन से भर के हमने ये गोज फिट किया इसके अंदर और ये बाबा सामने बैठा है भाई साहब चित्रमल ये हमारे चित्रमल जी हैं चित्रमल जी रेबारी प्यारे दोस्तों रेबारी नाम से मुझे याद आया राजस्थान में ऊँट पालक प्रजाति जो है ऊँट ब्रीडिंग कास्ट है रेबारी या राय का और हम देखो ये मसाज करके साफ कर रहे हैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी इसको ये लास्ट देखिए हमने दबा दबा के पूरा साफ कर दिया है ऊँट को ये देखो भाई साहब डरा तो रहा है अभी तक ये तो हमने काफी अच्छा साफ कर दिया इसका अच्छे से ये जैसल मेरी नस्ल का जो ऊंट था एफसेस था तो इसको हमने अच्छे से आयोडीन से साफ किया लाल दवा से साफ के अंदर डाल के दबा दबा के इसकी पस को बाहर निकाला तो प्यारे दोस्तों एपसिस में हमेशा याद रखिए जो केविटी है एपसिस केविटी उसमें लाल दवा का वन परसेंट सोल्यूशन बना के एक लीटर डिस्टिल वाटर में आप दस ग्राम लाल दवा डाल के उससे इरीगेट कीजिए साफ़ कीजिए फिर आयोडीन से इरीगेट कीजिए दवा दवा के पस को बाहर निकालिए और ये देखिए लास्ट में हम डाल रहे हैं सल्फे नीलेमाइड प्रोपोक्जर कॉम्बिनेशन आता है ताकि यहाँ कीड़े मक्खी मच्छर ना बैठे मैगट ऊँट भी ना हो कीड़े भी ना पड़े और ये ड्राई ड्रेसिंग जो पाउडर इससे घाव भी जल्दी भरता है प्यारा दोस्तों हो सकेगा तो हम इसका फॉलो भी देंगे और ये देखिए बहुत ही आसानी से देखो हमने चौपड़ दिया है इसको ये पाउडर ये देखो अपने हाथों से चौपड़ दिया है और ये देखिए आपके सामने बड़ा आनंद ले रहे हैं भाई साहब ऊँट को ठीक करके ऊँट गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ये देखिए ना सबसे बड़ी बात ये देखिए आप हम देख रहे हैं बैठ रहे हैं जो सफ़ेद रंग की दाढ़ी में तो प्यारे दोस्तों ऊँट का इलाज है तो धन्यवाद नमस्कार